नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल से जूम क्लाउड मीटिंग से क्लास करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं, उस प्ले स्टोर में जाके आप सर्च करें जूम। आपको जूम ऐप पहले ही ऑप्शन में मिलेगा, आप देख लो, ऐसे देखने में होता है। सो मेरे फ़ोन पे तो ऑलरेडी ये है इसलिए अपडेट दिखा रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो वहाँ पे इंस्टॉल दिखाएगा, ठीक है। तो आप इंस्टॉल करोगे, देख रहे हो कि मैंने अपडेट किया है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको वहाँ पे इंस्टॉल दिखेगा। तो जैसे ही ये इंस्टॉल आपके मोबाइल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ओपन ऑप्शन आएगा, आप वेट कीजिए, देखिए यहाँ पर एक ओपन का ऑप्शन आता है, इसी ओपन वाले ऑप्शन को आप प्रेस कीजिए तो आपका जूम खुल जाएगा। तो देखिए जूम खुल गई आपकी, साइन अप एंड साइन इन। अब आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप, ओके। सबसे पहले तो आप दोगे अपना डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ एंड मंथ ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लो। सो ये जस्ट आपको सिखाने के लिए है, आप कोई भी कर सकता है, ये बहुत ईजी है। आप जूम क्लास कैसे करोगे उसी के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। सो आप देखिए, मैं यहाँ पे अपना डेट, अपना मंथ और अपना ईयर डालूँगा। सो ये जो भी मैं डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ ये मेरी रियल नहीं है, बट आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। सो ये हो गया मेरा डेट ऑफ बर्थ, अब मैंने ओके किया। तो यहाँ पे मुझे अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। सो आप अपना ईमेल आईडी दें यहाँ पे, उसके नीचे आप अपना नाम और अपना लास्ट नेम वहाँ पे दें, फिर आपका साइन अप करने का समय आ गया है। ये मैं मोबाइल से बता रहा हूँ, तो मोबाइल में जैसे ही साइन अप आपने किया तो लिखा है वी सेंट अ ईमेल टू वेरीफाई अकाउंट, मतलब आपके ईमेल अकाउंट में आप जाइए और वहाँ से कंफर्म करना पड़ेगा। तो देखिए मैं अभी अपने ईमेल आईडी में जा रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास आ गया है ऑलरेडी नोटिफिकेशन, मैं नोटिफिकेशन में जाके यहाँ पे साइन इन मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। जैसे मैंने साइन इन किया, सो ये मेरी साइन इन हो गई। सो गाइज, ऐसे ही आपको भी साइन इन करना पड़ेगा अगर आपने कभी आप अगर पहली बार यूज़ कर रहे हो तो। बस अब क्या, अब ईमेल आईडी डालिए अपना, जिस ईमेल आईडी से आप करना चाहते हो ये ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी। अब ईमेल आईडी के बाद आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा, ठीक है। सो नीचे जो पासवर्ड है वहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो जो कि मैं अपना पासवर्ड लिख रहा हूँ, तो इसीलिए आप अभी स्क्रीन को ब्लैंक देख रहे हो, लेकिन कहीं मत जाइए, बस ये कुछ देर की बात है जहाँ मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, ओके। सो कभी अपने पासवर्ड को शेयर मत कीजिएगा, आपको ये अच्छी तरह से पता है। बस जैसे ही मैंने पासवर्ड दिया, साइन इन, यू नो, साइन अप किया, तो ये देखो मेरा अकाउंट खुल गया ऑलरेडी जूम में। सो ये मेरी अकाउंट खुल चुकी है, यहाँ पे आप अपना फ़ोटो डाल सकते हो, यहाँ पे आप यू नो अपना नाम चेंज कर सकते हो। सो वहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूँ, सुभाष कार्तिक लिख रहा हूँ मैं। तो बस लिख लिया, यहाँ पे आप अपना इंडिया डाल सकते हो, अपने अपनी कंट्री का नाम और अपना फ़ोन नंबर आप डाल सकते हो। फ़ोन नंबर डाला आपने, डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप अपना डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, या स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिख सकते हो, अगर रिटायर्ड हो तो रिटायर्ड लिख सकते हो, या तो अपने डिपार्टमेंट का नाम आप लिख सकते हो। जैसे मेरा जॉब टाइटल है ट्रेनर, डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे हम डालेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में हूँ, ये मेरी डिपार्टमेंट है।
और नीचे आऊँगा, कंपनी का नाम दूंगा मैं, मेरा जो कंपनी का नाम है IDQ वैल्यू एड अकेडमी। उसके बाद मैं सेव करूँगा चेंजेस को, जस्ट लोकेशन डाल दीजिएगा। उसके बाद सेव चेंजेस, बस हो गया। हाँ, इसके बाद आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, आप देखें यहाँ पे सेंड वाया मैसेज है। जैसे आप करोगे तो एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल में आएगा, देखिएगा मेरे मोबाइल में आएगा, मैं उसको डाल दूंगा OTP के तौर पे। देखिए ऊपर में आ गया मेरा मैसेज, मैंने जो नंबर मेरे पास आया है मैं वही नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करूँगा, बस ये इजी है। आपको देख के हो सकता है लगे कि बाप बाप इतना लंबा प्रोसेस, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। देखिए ये हो गया। अब मैं अपना पिक्चर भी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने पिक्चर में जाके वहाँ पे ब्राउज़ किया, मैं अपने एल्बम में आया। इस एल्बम में मैंने अपना एक पिक्चर देखा तो उसको लगा कि हाँ ये पिक्चर मैं रख सकता हूँ, सो मैं ये पिक्चर को अपलोड कर दिया। बस आप पिक्चर को सेव कर सकते हो, उसके बाद सेव कर दो, बस हो गया आपका डन, आपका जो साइन अप हो गया। और कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, आपके पास जो आपके SMS आए हैं, ओके, जो मीटिंग की SMS मैं नॉर्मली भेजता हूँ, वो आपके पास एक SMS जाएगा जहाँ पे क्लास का लिंक होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इस स्क्रीन पे क्लास के उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपने जो जूम में साइन अप किया था वो पेज खुल जाएगा। जैसे ये पेज खुलता है आप देखो वहाँ पे लॉन्च मीटिंग है, कुछ नहीं करना है, उस लॉन्च मीटिंग में आपको प्रेस करना है, बस आपका ये क्लासरूम खुल गया। अब देख सकते हो IDQ वैल्यू एडर अकेडमी दिख रहा है, तो आपको भी यही दिखेगा। तो जो कि अभी क्लास नहीं चल रहा है तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वेटिंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट द मीटिंग। सो अभी मैं होस्ट हूँ, सो अभी मैं हूँ नहीं बोल के। सो जब आप क्लास के दौरान इस लिंक को क्लिक करोगे तो मैं वहाँ पे होऊँगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।